हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। तो प्रणाम में सर पहला का किताब में नहीं मिलेगा सर, एक आध प्रणाम उसमें लिखा होगा, लेकिन मैं आपको सभी बताऊंगा भस्त्रिका में सांसों को लेना और छोड़ना। कल आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा, सांसों को लेना छोड़ना को सीधा रखें, यही काम है भक्ति का, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे करते हैं? सुनो, मीडियम और फास्ट, धीरे गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जिन लोगों को सांस की समस्या रहती है उन लोगों को धीरे करना चाहिए, अस्थमा रोगियों को धीरे करना चाहिए, जो लोग गंभीर बीमार है उन लोगों को बहुत धीरे करना चाहिए, जिनकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ी है वो तेजी के साथ कभी नहीं करते, उनकी बीपी बढ़ सकती है। तो कैसे करना सर? देख लीजिए, एक बार दो बार करके दिखाता हूं। ऐसा अभ्यास कम से कम आप लोग 5 मिनट करो सर, मेरे को घंटों करवा दोगे, घंटों करूंगा सर। ये सामर्थ्य करने से आएगी, ये अनुभव करने से आएगी सर आपके साथ। तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका। पुराना से पुराना सर्दी जुकाम नजला आपके गायब हो जाएंगे, सबसे जुड़ी हुई समस्या सारी खत्म हो जाएगी, मात्र भस्त्रिका करने बैठ के करने वाला वो कठिन चीज नहीं, उसको करें। दूसरा कपाल भाती करें, इसमें ले रहते और छोड़ देते, ले रहते और छोड़ देते, ले रहते थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे। अब इससे क्या होगा? और आप बोलेंगे थोड़ा डिफरेंट बताना जरूरी है, आप लोग का दिमाग में कहीं बैठे ये क्या काम कर रहा था? आपके फोफड़े में अचानक तेजी के साथ हवा ले रहा था, आपके फोफड़े ऐसे खो गए तो सिकुड़ रहे, सुख रहे थे सिकुड़ रहे, सिकुड़ रहे, तो जो हार्ट बना हुआ तो उसमें कोई चीज में हार्ट चीज में तुम खाओ कर दो और निकाल दो, तू और निकाल दो प्रेशर का, तो क्या अपना जगह बढ़ाता चला चल जाएगा, वो फेफड़ा अपनी जगह बढ़ाता चला जाएगा, प्राणवायु आप ज्यादा भर पाओगे, तो फेफड़े को स्वस्थ कर लिया, तुझे भस्त्रिका था। अभी क्या करेंगे? और जो घर्षण हुआ जो सांसों को लिए नाश्ता से और छोड़े, तो इस क्षेत्र का जो कफ है तो इस घर्षण से क्या हुए? फिट हो गए आपके शरीर और कफ पिघल के बाहर आ गए। नाक में तेल आप लोग जरूर डालिएगा, हमारे दिमाग में जैसा जैसा चीज आ रहा है वो आप लोग को बताता जा रहा हूँ। नाश्ता में तेल डेली डाल सकते हो और आपका ये नाश्ता खुला रहेगा तो प्राणवायु आपके सही ढंग से चल पाए, आप प्रणायाम भी बढ़िया से कर पाओ। अभी कपालभाति प्रणायाम करें, कपालभाति कैसे करेंगे? श्वासों को तेजी के साथ छोड़ो, इतना तीव्रता के साथ छोड़ेंगे कि अगर यहाँ दीपक रखा जाए तो बुझ जाना चाहिए। दीपक को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं तो नासिका से करना, दोनों नाक से श्वासों को निकालना, लेने पर ध्यान नहीं देना आपको, यहाँ श्वास को लेंगे, सिग्नेचर दे दीजिए सर, ले लीजिए सर, अपना भी अटेंडेंस कर लीजिए और सभी लोगों का अटेंडेंस करवा दीजिए, सभी लोग साफ सुथरे थोड़ा नाम लिखेंगे सर, ऐसा नहीं लपेट के लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो वहां जाएगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू होगी कि आप लोगों ने योग का शिक्षा लिया है, आप लोग को इस चीज की सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी, तो आप लोग इसमें साफ सुथरे नाम लिख लेंगे और सभी लोग सिग्नेचर कर लेंगे, समय आप लोग का समाप्त भी हो गया है। तो अभी बता रहा था कपाल भाती प्रणाम दिमाग में बैठाइएगा सर, ये भूलना नहीं चाहिए, भस्त्रिका पहला कौन? आप लोग सभी शिक्षक है, भूलेंगे तो नहीं हमारा ऐसा आता, भस्त्रिका प्रणाम। दूसरा नंबर पे कपाल भाती प्रणाम, कपाल भाती कैसे करते? मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते, दोस्तों को तेजी के साथ निरंतर छोड़ते हैं, एक साधारण व्यक्ति 1 सेकंड में 1 स्टॉप लगाएगा, जब श्वास आप छोड़ेंगे तो नाभि के आपके अंदर की तरफ चले जाएंगे, पेट का बार बार स्ट्रोक लगेगा, और जिन लोगों का सामर्थ्य बढ़िया वो तेजी के साथ करेंगे, मीडियम वाले हैं बिल्कुल मीडियम गति से कर लेंगे, और तीव्रता के साथ करेंगे 1 सेकंड में 3 स्टॉप भी आप लगा सकते हो, वैसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे। तो इसे भी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट
अगर साधारण गति से आपने किया है तो एक मिनट में इतना 60 बार कर सकते हैं और आप तीव्रता के साथ करें, ज़्यादा कर लेंगे तो डेली करना है आपने कितना करना है, कम से कम 900 बार यानी कि 15 मिनट करेंगे, कोई बेकार नहीं आएगा। अब पेट से जुड़ी हुई समस्या सब नील सर बोल रहे थे ना, गैस के लिए बताइए, एसिडिटी के लिए सबसे बेहतरीन सर, आप बैठे बैठे इस्तेमाल वादी बैठे अंदर करके देखें, गजब का लाभ है, पेट भी आपके कम हो जाएंगे सर, क्योंकि कोई भी चीज़ का डिहाइड्रेशन होगा सर तो क्या होगा, वहाँ से चर्बी गलती है। अभी जितने भी अंग्रेजी में जितने भी चीज़ ये जो अभी कपाल वादी बैठे हमने क्या करते हैं श्वासों पर छोड़ते हैं, लेने पर ध्यान नहीं देते, जैसे और एग्जाम पहले भोंपू लगा हो रहा था करो सर, तो भोंपू जब आया तो पूरी बाहर, उसी तरह फेफड़े की हवा पूरी बाहर अपने आप फेफड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, श्वासों को ले लेता है, तो ये कपाल भाती पड़े हमें, तो इसको डेली करना है। दूसरा करते हैं तीसरा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये जो वीडियो हमने बनाया है इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग भी मैं बनाने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं कि उस भाग को भी मैं देख सकूँ तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।